नमस्कार, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं आप सभी, जैसा कि जानते हैं, और अच्छे तरीके आप लोग इस चीज को पिछले दीपावली के बाद प्रयोग कर चुके हैं और उसका लाभ लगातार उठा रहे हैं। आज ऐसी ही चीज में पुनः बताने जा रहा हूं, जो सज्जन इसको बनाना चाहें और इसको बनाकर अपने प्रियजनों तक देना चाहें वो बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय सनातन धर्म भाइयों बहनों, आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, इससे हमारे समस्त भाई बहनों का विश्वास उठता चला जा रहा है। कारण क्या है? इसमें आपकी भी गलती है। आप जब तक किसी को देखो मत, पहचानो मत, समझो मत, तब तक किसी से संपर्क बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें, और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर किसी प्रकार का आप बगैर देखे बगैर समझे कोई आदान प्रदान धन का ना करें। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारा वीडियो देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक छल्ला जैसा मैंने धारण किया है, मेरे उंगलियों पे निशान भी बना है छल्ले के, देख लीजिए, नहीं तो कहोगे आप कि गुरुजी अभी शायद धारण किए होंगे। ये आज का नहीं, करीब 2500 साल से इसको मैंने धारण किया है। अब ये मामूली सा छल्ला जो दिख रहा है, इसकी विशेषता क्या है, यही मैं बताऊंगा, और यही मैं पिछली दीपावली को बताया था, लेकिन इस बार बताने के साथ दीपावली को लाइव करके ये प्रोसीजर दिखाएंगे कि आप लोगों को विश्वास पड़े कि ये कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। और अगर हम ऐसे बता दें कि दीपावली को मैं ये छल्ला बना लो, इसके अंदर ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे बनेगा, मुझसे ये खरीद लो, आप लोग पैसे दे दिए, मैं दुकान से गया छल्ला खरीद के लाए, आप लोगों को पोस्ट कर दिया, तो किसी काम का नहीं रहेगा। भाई देखना तो चाहिए, जो चीज मैं ले रहा हूं, जो चीज मैं मंगा रहा हूं, उसका कैसा जो आविष्कार है या जो इसका बनाने का तरीका वो कैसा होता है, ये जरूर देखना समझना चाहिए या कॉल करके देखना चाहिए। तो ये है वो चीज, दीपावली वाले दिन इसी तरीके से छल्ला बनेगा। अब ये छल्ला कैसे बनेगा, ध्यान रखिए, इसके फायदे क्या हैं, इसका महत्व क्या है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले ये छल्ला जिस व्यक्ति के दाहिने हाथ में, हमारी बहनों के, हमारी माताओं के, हमारी बेटियों के बाएं हाथ में, मध्यमा में यानी बीच की उंगली में पड़ा रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेत का अटैक, भूत का अटैक, चुड़ैल का अटैक, टोने का, टटके का, मारण का, शमशानी का, मशानी का, वो प्रभाव हीन हो जाता है। और कैसे प्रभाव हीन होता है ये भी समझिए, ध्यान से सुनिएगा, किस कारण, इसके अंदर आखिर ऐसी क्या खूबी है कि इन समस्त चीजों को यह प्रभावहीन कर देता है। तो आइए इस पर प्रकाश डालते हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक इसके महत्व को समझेंगे नहीं। अब यह कैसे बनता है, नंबर एक, नाव का कांटा। मित्रों, नदी जब नाव में जाती है तो नाव में, जैसे नदियों के अंदर बहुत से लोग डूबते हैं, मरते हैं, तो आप लोग अगर तंत्र के जानकार होंगे, वेदों के जानकार होंगे, तो मालूम होगा कि सबसे ज्यादा नदियों के अंदर प्रेत जो उग्र होते हैं, कभी कभी आप पानी में जाइए, वहां उतना डुबाव नहीं, फिर भी आपको वो खींच के डुबो देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नदियों में डुबोते हैं, मारते हैं कि वो उनका ग्रुप बड़ा हो, उनका समूह बड़ा हो। इसलिए नाव में ये कांटा विशेष, जितने भी मल्लाह भाई होंगे, अगर हमारे निषाद भाई वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। आप लोग जब नाव बनाते हैं, सिप बनाते हैं बड़ी,
तो उसके अंदर एक विशेष पूजा हो के एक कील होती मोटी, वो रात को लगाई जाती, किसी को नहीं मालूम रहता कहाँ लगी है, वो सिर्फ निषाद राज को मालूम रहती, हमारे केवट मल्लाह को मालूम रहती है। तो नंबर एक, वो कील जो पुरानी नाव हो जाती है, यूज नहीं होती, तो उसकी कील मंगाई जाती है, वही मत्थे पर की कील बोलते हैं, नाव के माथे पर की। ये कील लगे रहने से नाव को कभी प्रेत डुबो नहीं पाता, कोई नुकसान नहीं होता है, दुर्घटना हो जाए उसकी अलग बात है। तो इसके नाव की कील एक, काले घोड़े का नाल। अब काला घोड़ा क्या होगा, आजकल शहरों में एक सफेद घोड़े के ऊपर वो जो बाल में लगाने वाली डाई होती है, लगा के सुबह निकलते हैं और रास्ते में लेके गुजर रहे हैं, तो बहुत से भाई, भाई साहब शनिवार को एक छल्ला दे दो, 200 रुपए दो, आपने एक पांव का छल्ला निकाला, आगे जाके उसमें फिर ठोंक दिया, जो वो नाल होती है घोड़े की नाल, वो फिर ठोंक देते हैं। अब हमको कैसे पता चले ये नाल असली है कि नकली? एक तो घोड़ा काला होना चाहिए शनिवार को, और वो नाल खूब घिस जाती, घोड़ा इतना चलता है कि घिस जाती, बहुत पतली सी हो जाती, तब वो निकाली जाती, उसका लास्ट का जो पोर्शन घुमा वाला रहता है वो एकदम चक्कू जैसी हो जाती है। तो दो, नाव की कील, घोड़े का कांटा। अब तीसरी चीज, समुद्र में जो हमारे मछुआरे भाई बड़े बड़े जाल लेके बड़े बड़े जाते हैं, तो उसमें उनके बोर्डों में एक लंगर पड़ता है, उसमें कांटा होता है, तो वो लंगर का कांटा एक। तीन, चौथा, राजद्वार में जिस जंजीर से हाथी बांधी जाती है, जिस जंजीर से हाथी का पांव बांधा जाता है, वो जंजीर का जो पांव वाला हिस्सा रहता है उसका टुकड़ा, ठीक है। अब एक चीज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोहार भाई हमारे होते हैं, लोहार उसे बोलते हैं जो लोहे का सामान बनाते हैं, वो अग्नि में हथौड़े से पीटकर। तो लोहार भाई के यहां का हथौड़ा जो होता है, जो साल भर खाट 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 पीटते हैं, उस हथौड़ा का लोहा। अब ये सारे लोहे को दीपावली की रात को पिघलाकर भट्टी में एक साथ एक जान कर लेते हैं, एक जान मतलब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसका तार जैसा बनता है, तार मोड़ने के बाद इस तरीके से छल्ला बनता है। ये ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों को लाइव दिखाया जाएगा ये पूरा प्रोसीजर जो दीपावली की रात को बनाएंगे सिर्फ आपके लिए। मोड़ने के बाद इसको काटा जाता है गोल गोल, इस सारे छल्ले को लेकर गाय जो पहली बार बच्चा दिए हो यानी प्रथम, उसका दूध में इसको डाला जाता है, उसके दूध में डाला जाता है, धोया जाता है, फिर गंगा जल में धुला जाता है। उसके पश्चात पंचगव्य, पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, मट्ठा, छाछ जो होता है पांचों, ठीक है, धुलने के बाद इन छल्लों को मंत्रों द्वारा, विशेष मंत्रों द्वारा, अगर आप इसे बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप नरसिंह बीज मंत्रों का और हनुमान कवच 1100 मर्तबा और शिव रक्षा स्रोत, आप इसको 84 बार पढ़कर इस पर धूप दीप गंध फूल पंचोपचार पूजन करें। ये लाल आसन पे रखा जाएगा, ध्यान रखिए, लाल आसन पे रखकर ये पूजा की जाएगी, उसके पश्चात सारी रात दीपावली में पड़ी रहेगी। दीपावली के अगले दिन वही दर पे रहना चाहिए जहां पे पड़ी थी। दीपावली के तीसरे दिन इसको उठाना है, उठा के पुनः गंगा जल से धुलना है, उसके बाद आप इसको धारण कर सकते हैं और फिर बताइएगा। सबसे अच्छी बात है धारण करने के बाद कि इसका एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि ये असली एक निकली। आप जब इसको धारण करेंगे उसके बाद कोई जैसे विषैला जानवर होता है आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा, वो जो बंगाली लोग सांप लिए रहते हैं उनके सामने ऐसे करोगे नहीं काटेगा, ये नहीं कि आप
सांप से जाओ भिड़ जाओ, जबरदस्ती उसको पंच दो तो वो तो काट ही लेगा, यानी जानबूझ के नहीं, नेचुरल प्राकृतिक रूप से आपको कोई हानि नहीं देगा। तो ये छल्ला एक प्रोसीजर मैंने बता दिया, आप बनाना चाहते हैं तो दीपावली के जो रात है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आप कभी भी बना सकते हैं। ध्यान में है मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, दिशा उत्तर दिशा की तरफ आसन लगा के समस्त छल्लों को रखकर उपरोक्त बताए हुए मंत्रों से सिद्ध कर सकते हैं। जो भाई बहन इसको सिद्ध नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ध्यान रखिएगा आप अपने दिमाग में मत लाना कि गुरुजी ये कुछ बिजनेस ट्रिक्स के लिए बता रहे हैं कि चलो गुरुजी भी अपना दो पैसा कमाने के चक्कर में उतार रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल 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 मत इसको मंगाना। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे साथ आज नहीं 4 वर्षों से जुड़े हुए, मुझसे निरंतर लाभ ले रहे हैं, अपने दोस्तों को अपने मित्रों को लाभ दिला रहे हैं, उनके लिए है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7497988880 और 1-872-615-3903। ये दोनों पर अभी से आज से ही आप अपना नाम, अपनी माता का नाम, गोत्र देकर इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर आपको होली के तीसरे दिन यानी चौथे दिन यहां से कोरियर करके आपको कॉल द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका ये सामग्री भेज दिया गया, उसका ट्रैकिंग नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसके अनुदान राशि आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी, कोई भारी भरकम नहीं है। एक लागत जो मूल्य है मेहनत कोरियर का चार्ज बस इतना ही है। गोत्र और नाम इसलिए मांग रहे हैं जब आपको छल्ला दिया जाएगा तो आपके नाम से ही अपमंत्रित करके भेजा जाएगा और ये बहुत ज्यादा नहीं कि हमारे पास कोई मशीन लगी है वो बहुत नाव की कील हमको बहुत ज्यादा मिल रही है, घोड़े का नाल बहुत ज्यादा मिल रहा तो हम इतना बना लें। मुश्किल से 20 से 25 पीस ही बन पाएंगी। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा और इसको लाइव भी किया जाएगा ताकि आपको भी तो विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी क्या दे रहे हैं, क्या बनाए हैं। ऐसे तो नहीं मैंने दे दिया गुरुजी दुकान से छल्ला खरीद के लाए, पैक कर दिया, लो दीपावली के दिन बनाया गया है, है? गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो ये चीज जो चीज हो आपको दी जाए कम से कम आपकी आंखों के सामने आपके थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन चीज है, मजबूत चीज है, तभी मजा आएगा। बाकी आपकी इच्छा आपकी स्वेच्छा, हमारा किसी प्रकार का दबाव जोर या कुछ ऐसा नहीं, आपकी वो है सही चीज बताना मेरा फर्ज था, आप जान गए। किसी प्रकार की आपको आवश्यकता हो, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। और चलते चलाते मैं बता दूं कि दीपावली जो एक दिवसीय अप्सरा साधना है, जो साधक करना चाहते हैं अति शीघ्र संपर्क कर ले, अन्यथा ये 30 तारीख के बाद से किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। और दीपावली की रात को आप कमल के 5 बीज 5 कौड़ियां पंसारियों के मिलती वो लेकर थोड़ी सी केसर लाल गट्ठर में बांधकर धूप दीप लेकर आप अपने मुख्य द्वार पर, वो घर का बाहर हो या अंदर से, आप अगर टांग देंगे तो वर्ष भर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये छोटा सा उपाय जरूर है लेकिन इतना बड़ा काम करता है जिससे आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। आशीर्वाद स्वरूप एक लाइक कर दीजिए, अच्छा कमेंट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।